सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के आईपीओ का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 15 जुलाई 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल चुका है या फिर अलॉटमेंट ना मिलने के बावजूद भी आप इस आईपीओ में ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो लिस्टिंग के दिन आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जो आईपीओ है 7 से 9 जुलाई के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 828 से 837 रुपए के बीच प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 837 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 17 शेयर्स थे और रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन यहां पर आपको मिलता हुआ नजर आया था। अब देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब 525 से 535 रुपए के बीच चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी 837 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ है। 535 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 1372 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन यहां पर प्रीमियम चल रहा है और करीब 60% से ज्यादा का प्रीमियम अभी यहां पर ट्रेड कर रहा है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में इसका जो प्रीमियम था करीब 310 रुपए के आसपास तक मिनिमम गया था और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आज के दिन 535 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं इसका प्रीमियम लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसमें मुझे लगता है कि आपको काफी बढ़िया प्रीमियम मिल सकता है और यहां पर आपको करीब 50% से 80% के बीच प्रीमियम देखने को मिल सकता है लिस्टिंग के दिन। अब देखिए, बात आती है कि जिस किसी व्यक्ति को यह आईपीओ अलॉट हो चुका है या फिर अलॉट नहीं हुआ है, उनको लिस्टिंग के दिन क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनको अलॉट हो गया है और वो जिन्होंने भाई हम लिस्टिंग गेन के लिए ही पैसा लगाया था कि भाई मुझे लिस्टिंग गेन मिल जाए, मैं उसी दिन अपना सौदा काट लूंगा और प्रॉफिट बुक कर लूंगा, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि देखिए यहां पर प्रीमियम अच्छा खासा चल रहा है और जैसे ही ये आईपीओ लिस्ट होता है थोड़ा 5 मिनट आपको वेट करके यहां पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है, जिसका मतलब है कि अगर ये आईपीओ 60% के प्रीमियम के साथ लिस्ट होता है तो आपको 15-20 रुपए नीचे जितना आप लॉस भुगत सकते हैं तो उतने नीचे आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है, जिसका असर ये होगा कि भाई जैसे मान लीजिए कि लिस्टिंग के बाद अगर आईपीओ का जो प्राइस है वो बहुत ऊपर जाता है, मान लीजिए कि 60% के प्रीमियम पर आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया 15-20 रुपए नीचे और उसके बाद ये 80% तक जाता है तो आपका 15 ही रुपए का लॉस रहेगा, नीचे आएगा तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो देखिए, आपको फाइनली करना तो प्रॉफिट बुक ही है तो यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इसको अलॉटमेंट लिया है तो उनके लिए तो भाई लिस्टिंग गेन अच्छा मिल जाए तो अच्छी बात है, उनको लॉन्ग टर्म का व्यू रहता है कि भाई हम इसको 3-4 साल रखेंगे, उसमें कितना बढ़ता है तो उनका अलग मैटर रहता है। अब बात आती है कि भाई जिनको ये आईपीओ अलॉट ही नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, तो देखिए उनको मैं एक ही सजेशन दूंगा कि इसमें देखिए काफी बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो अगर आपको ये आईपीओ 50% या 40% के नीचे लिस्ट होता हुआ नजर आए तो आपको यहां फिर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए लिस्टिंग के दिन। लेकिन अगर ये आईपीओ 50% के ऊपर लिस्ट हो जाता है, 50% प्रीमियम के ऊपर लिस्ट हो जाता है, तो फिर आपको यहां पर थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, यहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा परहेज करना होगा, क्योंकि देखिए हो सकता है 50% के ऊपर लिस्ट होकर वापस से नीचे आने की कोशिश करे तब आपको लॉस हो सकता है और बहुत सारे लोग यहां पर ट्रैप भी हो जाते हैं। कई सारे आईपीओस पहले ऐसे हुए हैं जिन्होंने लिस्ट होने के बाद पोजीशन बनाई और आईपीओ लगातार नीचे जाता हुआ नजर आया और आज तक वो इसमें फंसे हुए हैं, तो ऐसा अपन को नहीं करना है। देखिए, जुलाई के महीने में बहुत सारे आईपीओज आए हैं और आने भी वाले हैं, आपको कभी ना कभी अलॉटमेंट मिल जाएगा। आपको लालच नहीं करनी है कि भाई मुझे 60% यहाँ पर गेन मिल गया तो मैं 2-3 दिन इसको रखता हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको हो सकता है कि ये डबल हो जाए, तो हो सकता है कि डबल हो जाए लेकिन उतनी ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी है कि ये आधा रह जाए, ठीक है ना। तो आपको दोनों तरफ का सोच के चलना है और लॉस अपना मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं है कि लॉस के बारे में आपको नहीं सोचना है, लॉस पहले सोचना है, प्रॉफिट बाद में सोचना है, क्योंकि
भी प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए चलेगा, लेकिन लॉस हमें नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, मैंने आपको लेवल बताया कि 50-40% के नीचे अगर ये लिस्ट हो जाता है तब आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है। 50-40% के नीचे होता है तभी, अगर ये ऊपर हो जाता है करीब 55-60-65-80 इस प्रीमियम पर लिस्ट होता है तो आपको फिर यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने से परहेज करना है। तो देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि 80% प्रीमियम के पर लिस्ट होने के बाद आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है, हो सकता है ये 90% प्रीमियम तक भी चला जाए, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, हम सेफ खेलेंगे और सेफ खेलने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आपका एक दिन पूरा पैसा चला जाएगा, ये गारंटेड है। शेयर मार्केट में किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है और जो मैंने बताया उसको आप फॉलो करके काफ़ी बढ़िया रणनीति बना सकते हैं अपनी लिस्टिंग के लिए। तो देखिए, ये वीडियो आई थिंक आपको पसंद आया होगा और देखिए यहाँ पर जो भी मैंने बताया स्ट्रेटजी, आप उसको फॉलो करेंगे, उससे आपको जो भी प्रॉफिट होता है या नुकसान होगा वो उसके जिम्मेवार आप ही होंगे। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में एक बार सलाह ज़रूर ले लें। मैं यहाँ पर केवल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ऐसा किया जा सकता है, अब मानना या नहीं मानना है वो आपकी मर्जी है और उसका डिसीजन आपको ही लेना है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।